केंद्र सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करने के बाद से ही सदन में इसको लेकर आए दिन हंगामा जारी है। इस बजट को लेकर जहां सरकार ने कई बड़े दावे किए तो वहीं विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, पर देश की जनता ने 2024 में 18% जीएसटी लगाकर बीजेपी को 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीन कारणों से हारी है, वो है इकोनॉमी। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है, पर सेवाएं सोमालिया की जैसी मिलती है। वही बीजेपी सांसदों ने राघव चड्ढा के भाषण के दौरान जमकर हंगामा किया, आप भी देखिए। राघव चड्ढा जी, सर आमतौर पे देखा जाता है 20 मिनट्स। सर आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। दे हैव मैनेज टू डिसप्लीज ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। इनफैक्ट सर, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं। सर बजट 2024 में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं इफ यू वांट मी टू यील्ड मैं बैठ जाता हूं सर। आप बैठो, आई विल आप बोलने दो। माननीय सदस्य, आप बोलो ना। माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम है? कृपया बैठे, बैठो। क्या बैठ जाए, बैठो आप। प्लीज बैठे, आप बोलिए थोड़ा सा, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2-2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज सर मैं अपने इस भाषण को सर दो भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर सर इसके कई कारण बताए जाते हैं, कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी कारण है, मैं तीन कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी आपस में बात नहीं करें, माननीय राघव चड्ढा जी ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए सर, बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक तीन महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण, सर मैं बैठ जाता हूं, सर इनको चिल्लाने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। सर माननीय सदस्य जब बैठिए, जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में कैसे आ रहे, अभी उनको बोलने दीजिए। बोलिए माननीय, अभी उन्होंने बना दिया। बोलिए सर, पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर भारत की 60% से ज्यादा आबादी सर गांव में बसती है, लेकिन आज सर
आप सर ये ठीक नहीं है सर, इनकी तबीयत खराब है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है? इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके इनकी तबीयत खराब है क्या सर? आज आप बैठिए, बैठ जाए मानस, कृपया बैठे, बैठ जाए मन, कृपया बैठे, बैठे 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 बैठे। आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब मत करें, इनको बोलने दें, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, अभी इनको बोलने दें। हाँ सर, मैंने 2.5 मिनट बोला, उसमें 5 बार इन्होंने इंटरप्ट किया, मैं अपना समय सूद समेत इनसे वसूलूंगा सर। सर मैं आगे चलता हूं। सर इस देश में ये सर, ब्याज, पहला ब्याज, मेरा कारण था ब्याज की आदत ठीक नहीं है सर, रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन सर, आज राइजिंग रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।